Hello students, now I am explaining you our 24th lesson of EVS practice of book exercise. The topic is home and abroad. Okay, जैसे हम देखा home मतलब India और abroad मतलब यहाँ पे Abu Dhabi है. Okay, so इस lesson के बारे में हम देख सकेंगे. Now here is your exercise. Yes, fill in the blanks, choose the correct word from the box. Kochi, hot, khaki, heat, dry heat and dirham. The dash are the most common plants in desert. Desert में कौन सा plant common है? क्योंकि कांटे वाली, okay, that is cacti. आपने देखा होगा जो कांटे वाले जो plants होते हैं वही common होते हैं. तो desert area में cacti बहुत common plant है. The climate of Abu Dhabi is dry and heat. Okay, the head covering worn by Arabs to protect them from heat. Hot and dry आएगा, sorry. The climate of Abu Dhabi is hot and dry. The head covering worn by Arabs to protect them from heat. Currency of Abu Dhabi is dirham. Dash the major seaport of Kerala. Kerala का seaport क्या है? Kochi. Okay? Now, next. Pick the correct answer. Chintapan had got a job in Abu Dhabi. In Abu Dhabi, petroleum is cheaper than पेट्रोल. किसे चीप है? वाटर. ओएसिस आर फाउंड इन डेजर्ट्स. कैपिटल ऑफ केरला इज तिरुवनंतपुरम. विच इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, दैट इज हमारे रण का जहाज क्या बोला जाता है? दैट इज कैमल. राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट. मनी यूज्ड इन अबू धाबी इज डॉलर, नो धीरम है इसलिए फॉल्स. कोची हैज टॉल बिल्डिंग्स विद बिग ग्लास विंडोज, नो. कहाँ पे है टॉल बिल्डिंग्स? दैट इज इन अबू धाबी. चिंतपन गेव मालू अ ग्लोब, यस. देन इन अबू धाबी एवरी वन वेयर्स लूज कॉटन क्लोथ्स, यस ट्रू. एरोप्लेन्स फ्लाई हायर देन क्लाउड्स, यस. डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ अबू धाबी. अबू धाबी का क्लाइमेट मतलब वहाँ कैसा क्लाइमेट है? एक तो इट इज हॉट एंड ड्राई, इट इज अ डेजर्ट एरिया, देयर इज नो रेनफॉल, so it's very dry and hot area. Okay, what type of plants grow in a desert? Why? कौन कौन से plants वहाँ grow होते हैं? एक तो cacti. Okay, cacti plants are the most common plant grown in desert. और दूसरा कौन सा? डेट plant trees are the common plants. Why? Because they need very less water. Okay, ये दो plants को बहुत कम पानी चाहिए vegetation के लिए, इसलिए वो आसानी से वहाँ grow हो जाते हैं कम पानी में. I used to dream of the thick scenery and cool water around our homes in Kerala. Why did Kunjamma said this? In what climate does she stay now? मतलब मुझे हर बार green green scenery और पानी हो घर के बाजू में केरला में, इसके बारे में मैंने सोचा. क्यों उसने ऐसे बोला? Because she settled in Abu Dhabi where the climate was very hot, dry, okay? There was no rainfalls, no vegetations. So she said like this. And which climate does she stay now? और अभी वो कहाँ पे? She is staying now in Abu Dhabi which is very hot and dry. क्योंकि पहले कुंजम्मा केरला में रह रही थी, तो वहाँ उसने सब ग्रीनरी, वाटर, बहुत सारे फ्रूट्स के प्लांट्स देखे और वहाँ पे और बहुत बारिश भी होती थी केरला में, जबकि अबू धाबी में नो रेनफॉल, नो वेजिटेशंस, नो वाटर, ये सब. इसलिए शी वॉज टेलिंग दैट. वाई इज केरला फेमस फॉर वाई इज केरला फेमस फॉर टी एंड स्पाइसेस. टी का मतलब चाय और स्पाइसेस मतलब मसाले. जैसे ही माउंटेन एरिया जो है, जैसे आपने देखा हो टी कहाँ पे ग्रो होता है ज़्यादा? असम में आपने देखा हो दार्जिलिंग की चाय, क्योंकि इट इज़ लोकेटेड इन हिली एरिया. ओके, पहाड़ों वाले इलाकों में टी और कॉफ़ी अच्छे से ग्रो होती है, क्योंकि उनके लिए स्लो वेजिटेशन चाहिए, स्लो प्लांटिंग. बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए, पर उसको क्लाइमेट भी बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा, बारिश भी नहीं, इस तरह से सब. तो ये सब क्लाइमेट माउंटेन वाले एरिया में सूट होता है, इसलिए कॉफ़ी और चाय माउंटेनियस एरिया में बहुत अच्छे से ग्रोथ है. और एक चीज़ है, सबसे इंडिया में सबसे बड़े जो भी हमारे स्पाइसेस मतलब हमारे मसाले, जैसे कि मिर्ची, हल्दी, मरी जो है हम लोग यूज़ करते हैं, फिर लौंग, तज, तेज पत्ता, ये सब जो स्पाइसेस जो है हम लोग अपने
सब्जियों में गरम मसाला यूज़ करते हैं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इंडिया में कहाँ ग्रो होता है? ओनली इन साउथ इंडिया। इसलिए ये साउथ इंडिया सबसे ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज ऑफ इट्स स्पाइसेस, सो इट इज़ फेमस। वहाँ की वेराइटी सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ केरला। केरला का क्लाइमेट कैसा है? इट इज़ मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और वहाँ पे बारिश भी होती रहती है और एकदम कूल रहता है, बहुत अच्छी बारिश भी होती है, इसलिए वहाँ क्लाइमेट अच्छा है। वॉट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट गेट वाटर फॉर अ फ्यू डेज इन योर सिटी। कुछ दिनों तक पानी ना मिले तो आपको कैसे लगेगा? हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, हम कहाँ से पीने का पानी लाएंगे? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पीने का पानी का होता है। फिर हमारे घर का काम करें जैसे वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, इन सब के लिए सो थोड़ा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है जब पानी नहीं होता है तो, सो लाइफ थोड़ी हार्श हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन केरला एंड अबू धाबी इन टर्म्स ऑफ पीपल, ड्रेस एंड हैबिट्स, क्लाइमेट, जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। हाँ, अबू धाबी वैसे बड़ी सिटी है, वहाँ सब पढ़े लिखे होते हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स मिल सकती है, बट कुछ हर जगह की हर चीज़ की एक अच्छी अच्छी बात भी होती है और एक डिसएडवांटेज भी होता है, अच्छा और बुरा होता है। अब केरला में देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट आई कैन टेल यू अबाउट पीपल, पीपल आर लिविंग देयर वेयर लुंगीज और ये सब, ओके। और उनका फूड कैसा होता है, दे यूज़ मोस्टली नॉन वेज भी खाते क्योंकि कोस्टल एरिया है, इसलिए हैबिट्स क्लोल कर, वहाँ की बारिश अच्छी होती है, क्लाइमेट कैसा, मॉडरेट क्लाइमेट होता है और देयर इज वेरी हाई रेनफॉल। जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है, वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी है बट इट इज़ वेरी लिटिल, ओके, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ दूसरी सब चीज़ों के लिए होता है बट अच्छे अच्छे हाई लाइफ के लिए थोड़ा कम होता है। जबकि अबू धाबी में क्या होता है, वहाँ के पीपल कैसे हैं, वहाँ के पीपल मतलब लूज कपड़े पहनते हैं, कॉटन वाले, एंड दे कवर देयर हेड विद क्लोथ, ओके। फिर क्या होता है दूसरा, वहाँ का क्लाइमेट फुल्ली ड्राई है एंड हॉट, नो रेनफॉल। खाना कैसा है, वो भी वहाँ नॉन वेज ही खाते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी है, हाँ वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा ही ना। लोकेट इंडिया एंड अबू धाबी पॉलिटिकल मैप, ये हमारा इंडिया का मैप है, मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप है, इसके अंदर आपको अबू धाबी को लोकेट करना है। ये हमारा इंडिया है, देखो आप देख सकते हो श्रीलंका है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ से लेकर ये अबू धाबी यहाँ पे आया, ओके। सो हियर यू कैन लोकेट इट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर गूगल ऑल्सो, यू कैन फाइंड इट आउट, यहाँ पर हमारा अबू धाबी आया। सो नेक्स्ट ओलंपियड क्वेश्चंस, व्हाट इज चीपर देन वाटर इन अबू धाबी, क्या चीप है अबू धाबी में पानी से, दैट इज पेट्रोल। माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड आर कॉल्ड, मिट्टी के माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, दैट इज सैंड ड्यून्स, ओके। सो दिस इज योर प्रैक्टिस बुक एक्सरसाइज, थैंक यू।